ओम शांति। संगम योग, पुरुषोत्तम संगम योग बहुत ही महान युग है। बेशक चार युगों में छोटा है, लेकिन छोटा होते भी बहुत बहुत वैल्यूबल है। सतयुग अगर गोल्डन युग है, त्रेता सिल्वर युग है, द्वापर कापर युग है, कलयुग आयरन युग है। ये विशेष पुरुषोत्तम संगम युग डायमंड युग है, जिसमें हम सब आत्माएं कौड़ी से हीरे जैसे बनते हैं। बाप का भी संगम होता है आत्मा परमात्मा का, तो कल्प के बिछड़े हुए आत्माओं का भी संगम होता है। ब्राह्मणों का आपस में संगम होता है, कलयुग और सतयुग का भी संगम है। ऐसे संगम युग में हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर दिन विशेष दिन है और हर मास बहुत बहुत विशेष है। और इस यज्ञ के अंदर अगर 12 मास है, तो हर मास कोई ना कोई हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण है। जैसे जनवरी मास आते ही बाबा की याद आती, पिताश्री की, उनके साथ बिताए हुए दिन, वो बचपन के दिन, सब कुछ स्मृति में आ जाते हैं, मानस पटल पे जैसे सामने आ गए और स्वतः ही बिताए हुए दिन याद आते हैं। उनकी पालना याद आती है, शिक्षाएं याद आती है और वही शब्द कानों में गूंजते हैं जो शिक्षा मिली। इसी तरह से जून मास मातेश्वरी जगत अम्बा सरस्वती माँ का मास आ जाता है, एक तपस्वी मास, वरदानी मास। और जुलाई मास हमारी बहुत बहुत परम आदरणीय मीठी मीठी प्यारी प्यारी दादी दीदी की वो यादें आ जाती हैं। मैं जब ज्ञान में आई, पहले तो दीदी जी को देखा ही नहीं था। सब प्रथम मैंने कानपुर में साकार बाबा आए हुए थे, दीदी जी को देखा। और वो घड़ी भूलती नहीं है जब हम लोग गांव से पैदल चल करके आए थे और सारा दिन जहां बाबा रुके हुए थे कोठी में, वहां ठहरे हुए थे, बाहर लान में बैठे थे और बाप से ही कहते थे कि हमको वतन से बाबा ने बुलाया है, हम लोग आए हैं और बाबा तक मेरा कोई संदेश पहुंचा दे। तो सभी लोग इस बात को हंसी में ले लेते थे। इनका ना कोई सेंटर से कनेक्शन है, ना कोई पत्र लेकर के आए हैं, ना कोई सूचना है, कैसे बाबा ने वतन से इनको बुला लिया और ये लोग चले आए। सुबह से शाम हो गई थी तो इतने सभी महारथी कानपुर में आए हुए थे या जो लोकल थे, किसी ने भी हम लोगों का पैगाम बाबा तक नहीं पहुंचाया। लेकिन बड़ी दीदी, ऐसे कहें विशाल दिल वाली, या दीदी को लगा कि ये सब सारा दिन बैठे हुए हैं, जरूर कोई बात है। दीदी के अंदर रहम की भावना आ गई, अंदर से वो प्यार दीदी को आया और दीदी को एक तरस कहे, रहम कहे, प्यार कहे, वो सब कुछ मिश्रित था। बड़ी दीदी ही हम लोगों के पास रात को 10 बजे आई और आ करके बोला कि चलिए बाबा आप सबको बुला रही है। तो बहुत बहुत खुशी हुई और दीदी के प्रति बहुत एक सम्मान कहिए, स्नेह कहिए, दीदी के प्रति मन में बैठा कि दीदी ने हम सबकी बात को बाबा के सामने रखा। यदि दीदी नहीं पहुंचाती तो शायद कोई भी बाबा को बताने वाला नहीं था। इसलिए दीदी के प्रति बहुत भावना बैठ गई कि दीदी सबके दिलों को जानने वाली है और दीदी सबके मन को, भाव को पढ़ने वाली है। इसलिए दीदी ने रात को बाबा को सुनाया कि बाबा एक ऐसा ग्रुप आया हुआ है और वो दिन भर से बैठा हुआ, रात 10 बज रहा है, जनवरी का मास था, और वो कहता बाबा ने मुझे वतन से बुलाया है, क्या करके यहाँ मिलो। दीदी का इतना ही बोलना था और बाबा ने कहा तुरंत उनको बुलाओ। जैसे कहते हैं सुदामा जब श्री कृष्ण से मिलने गए तो कोई भी द्वारपाल या और भी मंत्रीगण सब हंसते थे, ये श्री कृष्ण के सखा हैं, ये दोस्त हैं। उनकी एक फटी हालत को देख करके कोई अंदर नहीं जाने देता था, लेकिन जब श्री कृष्ण को दिखाया, बताया गया कि ऐसा कोई आया है और वो बताता है सुदामा मेरा नाम है, मैं उनका दोस्त हूँ, तो श्री कृष्ण कैसे नंगे पांव ही दौड़ पड़े। तो दीदी ने जा करके जो बाबा को बताया, बाबा ने उतने ही प्यार से सिकल अधे बच्चे कहके बुलाया। तो जो भावना हुई वो दीदी के प्रति हुई कि यज्ञ में अगर
किसी की आस पूरी करने वाली इस समय है तो दीदी जी है। तो बहुत ही दिल में रहा, फिर तो चलते रहे, पर दीदी के लिए बहुत बहुत कृतज्ञ थे हम लोग कि दीदी ने बाबा को हमारी बात बताई और दीदी ने ही बाबा से मिलवाया। तो उनके प्रति बहुत श्रद्धा, भावना, प्यार, सम्मान दीदी के प्रति हो गया।